कि आपने भी यही सोचकर अपना हेयर ऑयल चेंज किया था कि ये 100% हेयर ब्रेकेज को रोकता है, 100% स्टॉप्स हेयर फॉल, बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाता है, लेकिन कितना महंगा से महंगा तेल यूज करके देख लिया, कोई फर्क नहीं है, बालों की डैमेज वैसे की वैसी है। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, हेयर ऑयल तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बाल टूटते हैं तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम तेल गलत तरीके से लगाते हैं, और दूसरा कारण हो सकता है कि हम गलत टाइम पे लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि गलत टाइम कौन सा होता है, तो गलत टाइम वो होता है फ्रेंड्स जब हमारे बालों में पहले से ही ऑयल होता है, या 3-4 दिन अगर हमें वॉश किए हुए हो गए हैं तो हमारे बालों में नेचुरली ऑयल आ जाता है, और जैसे हमारी जो हेड के होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, और उसमें मैल और गंदगी, धूल मिट्टी सब ये फंस जाती है, जिससे हमारे बालों को, हमारे बालों की जो रूट्स हैं उनको अच्छी तरीके से तेल की कुर्तिज जो है वो नहीं मिल पाती। इसकी वजह से तेल के जो गुण हैं वो हमारे बालों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे हेयर फॉल होता है। और दूसरा कारण है कि हम तेल गलत तरीके से लगाते हैं। तो सही तरीका कौन सा है, चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, ऑयल आप कोई भी ले लीजिए, सब में कोई ना कोई गुडनेस आपको जरूर मिलेगी, चाहे आंवला का ले लीजिए, बादाम का ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, सब में कोई ना कोई गुडनेस होती है जो कि हमारे बालों के लिए अच्छी रहती है। वैसे विटामिन ई वाले जो ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है उससे हमारे बालों को। फिलहाल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैं अपना ऑयल दिखा रही हूँ आपको, ये है पैराशूट का जैस्मिन ऑयल, ये कोकोनट के साथ आता है, कोकोनट की गुडनेस भी है इसमें, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्की अच्छी और हल्की हल्की माइल्ड सी खुशबू भी आती है इसमें से। तो मैं यही वाला ऑयल लगाती हूँ स्पेशली गर्मी के सीजन में, क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये। एक बोल में आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल ले लीजिए, लगाने का जो तरीका है वो आपको पहले अपने बालों को कॉम कर लीजिए, मैंने भी किया था बालों को कॉम, उसके बाद कचर लगाया हुआ था, बालों को ऐसे सेंटर पार्टीशन करके फिर ही आपको बालों को अप्लाई करना चाहिए तेल को, सेंटर से स्टार्ट करके ऐसे। फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमें पूरे हैंड का यूज नहीं करना है, पूरे पाम का यूज नहीं करना है। और मैंने देखा है काफी लोग होते हैं जो बहुत रगड़ रगड़ के कस कस के बालों में तेल लगाते हैं, जिससे हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा होता है, बालों की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। आपको सिर्फ ये फिंगर टिप्स जो है, पोर्स जो होते हैं, ये जो हमारे होते हैं हैंड में फिंगर्स में, सिर्फ इन्हीं का यूज करके आपको ऑयल को बालों में अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अप्लाई कीजिए। मैंने अपने बालों को वॉश किया हुआ है, कल ही मैंने वॉश किया था, तो मेरा जो रूट्स है वो बिल्कुल साफ है, बालों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। बालों में चिपचिपापन अगर होता है, पहले से ही बाल चिपचिपे हैं, तो हमारे हेड के पोर्स हैं उन तक ऑयल पहुंच नहीं पाता, तो गुडनेस कहाँ से मिलेगी। इस तरह से आप फिंगर टिप से ऑयल लगाइए आराम आराम से, बहुत प्यार से। आखिर हमारे बाल हैं, कपड़ों की तरह क्यों धोएं, बालों को बालों की तरह से ट्रीट करना चाहिए। इस तरह से आप लगाइए, सबसे पहले आपको रूट्स पर ही लगाना है, उसके बाद आप लेंथ पर आइए। इस तरह से अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो यूजफुल हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। ऐसे करके आपको सारे बालों में स्कैल्प पर लगाना है ऑयल।
तरीके से तेल लग गया है बालों में, आप भी इसी तरीके से हेयर ऑयल लगाइए, जरूर आपको हेयर फॉल में बेनिफिट मिलेगा, आपके हेयर फॉल कम होंगे, बालों का टूटना बंद अगर नहीं भी होता है तो कम जरूर हो जाएगा। अगर अगर आप रेगुलरली इसी तरीके से ऑयलिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल बंद भी हो जाएगा। तेल आप कोई भी जो आपको बालों को सूट करता है अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग तेल चुनिए, लेकिन लगाने का तरीका बहुत मैटर करता है। आप उस टाइम पे तेल लगाइए जब आपके बाल क्लीन हो और जो पोर्स हैं उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लोग नहीं होनी चाहिए, तो आपको तेल जरूर बेनिफिट देगा। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, यही आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना था, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा हेयर फॉल होता है, तो मैंने यही वाला तरीका अपनाया हुआ है ऑयलिंग का, तो आप भी ज़रूर अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा मेरी फोटो के साथ, आप उस पर टच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।